अरे विनोद, तुम इतनी रात को? बात क्या है? भूत, भूत विजय, भूत कहाँ है? भूत विनोद, ये सब तेरा भ्रम है। नहीं विजय, उसे मैंने अपनी आंखों से देखा, वो भूत कोई और नहीं, मेरी राधा की ही आत्मा है। राधा? राधा कौन? वो बिचारी मेरी नाइंसाफी का शिकार हो गई। तुम और नाइंसाफी? हाँ विजय, मुझ में और राधा में प्रेम किया, छिपे छिपे शादी कर ली, वो बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन मैं अपने इस संबंध को सबके सामने न कह सका। मेरी बुजदिली की वजह से राधा ने खुदकुशी कर ली, तब से उसकी रूह हमेशा मेरा पीछा करती रहती है। काश काश मैंने उन शैतानों की परवाह न की होती तो मेरी राधा मुझसे इस तरह न छिनती। कौन है वो शैतान? है तो यमदूत, एक मेरा मामा और उसका लड़का पाशी। ये पाशी कौन है? मेरे मामा का लड़का प्रकाश चंद, मामा उसे प्यार से पाशी कहते हैं। एक रंगा गीदड़ और दूसरा शिकारी कुत्ता। मेरे पिताजी मरते समय मेरा हाथ विश्वासघाती मामा के हाथों सौंप गए। अब मामा और उसका बेटा पाशी बेरहमी से मार पीट कर मेरी जिंदगी को मां से बदतर बना रहे हैं। पिताजी की डायरी के लिए सताते हैं और तुम ये सब चुपचाप से लेते हो, कैसे मर दो तुम? हाँ, मामा ने एक दवा पिला पिला कर डब्बू बना दिया है। मैं उनकी परछाई से भी डरता हूँ। मैं वहां एक पल भी नहीं रहना चाहता हूँ। मैं कहीं चला जाऊंगा विजय, वहां रहने से तो मौत ही अच्छी है, मौत ही अच्छी। अरे अरे विनोद, लगता है तुम डर गए, लेकिन अब डरो नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, आओ अंदर मेरे साथ चलो। लो पानी पी लो। ये मेरी माँ है। माँ, माँ, माँ। ये बार बार मामा क्यों कह रहे हो? विजय, माँ को पाकर तुमने सब कुछ पा लिया, और मैं कितना बदकिस्मत हूं कि माँ को देखा तक नहीं। अब माँ को देखकर ऐसा लगता है मानो करोड़ों देवताओं के दर्शन हो गए। और ये मेरी बहन मुन्नी है, एकदम सोने की मूर्ति। और ये हमारे इष्ट देव भगवान शंकर। विजय, यहां भगवान भी है, मां भी है, बहन भी है, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ इस झोपड़ी में? ये झोपड़ी नहीं, मंदिर है। मेरे लिए झोपड़ी स्वर्ग है और वो महल नरक, सोने का पिंजरा। यहाँ रहकर मैं उन जल्लादों के शिकंजे से छूट जाऊंगा। विजय, मेरी इतनी विनती मान लो। विजय, ठीक है विनोद, लेकिन अगर वो लोग ढूंढते हुए तुम्हें यहाँ आ गए तो? बाप रे बाप, तब क्या होगा? चिंता की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जगह वहां रहूंगा। शायद इसीलिए भगवान ने हमें एक जैसी सूरत दी है। नहीं विजय, नहीं, तुम और उस नरक में। विनोद, मेरी माँ की जान बचाकर तुमने इस कुटिया की खुशियां आबाद की, मैं उस नरक को तुम्हें स्वर्ग बनाकर ही सौंपूंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है विजय। विनोद, डरने की कोई बात नहीं, हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। आओ हम लोग कपड़े बदल लें और एक दूसरे के घर की जानकारी हासिल कर लें। हाँ, आओ। अरे वाह, अब तुम बिल्कुल विजय बन गए, लेकिन बालों में थोड़ा सा फर्क है। लो, अब वो भी ठीक हो गए। देखो, मैं अपनी माँ और बहन को तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ, वे मेरे लिए जान से भी बढ़कर हैं, उनका ख्याल रखना। अब वो तुम्हारी ही माँ बहन नहीं, मेरी भी माँ बहन है। अच्छा, मैं चला।
भैया 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 पाजी जी, पाजी। सवेरे सवेरे पाजी पाजी कहकर किसे गाली दे रहे हो? पार्वती। भैया आज ये क्या बक रहे हो? कौन है ये पार्वती? मैं मुन्नी हूँ। मुन्नी? हाँ मुन्नी मुन्नी मुन्नी, कल रात सपने में तूने कहा मुझे सत्य पार्वती समान बनना। अच्छा ये बात है, जरा ठहरो। भैया बोलो ये कौन है? विनोद। विजय विजय विजय, मुझे लगता है तुम अभी तक नींद में बातें कर रहे हो। अरे आज जैसी नींद आई, ऐसी सुख की नींद कभी नहीं सोया। क्यों झूठ बोलते हो भैया, रोज तो कुंभकर्ण की तरह सोते हो। उठो सूरज सर पर आ गया, दांत साफ करो। ला मेरा टूथपेस्ट, टूथब्रश। टूथपेस्ट टूथब्रश कभी देखा भी है? ये नवा भी कुछ कमाई धमाई करने के बाद करना। ये लो। ये क्या? लाड साहब को इतना भी नहीं मालूम ये कोयला है। क्या करूं? मुंह में डालो, उंगली नहीं कोयला। ये क्या भैया, दांत साफ करने के लिए कहा तो खाने लगे। तो क्या करूं? उंगली मुंह में रखकर यूं चलाओ। अच्छा ये बात है? हाँ। तू क्या कहती है? मैं जानता हूँ। भैया कुआं उधर नहीं पिछवाड़ी में है। इतना भी नहीं जानता, जाकर अपना काम कर। अरे उठ, अरे उठ, कुंभकर्ण की औलाद, उठ 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 बे। पाशी जी रे, तुझे चल भी चढ़ी है? अब तुझे ठीक करता हूँ। नींद आ रही है। अरे हरामी मुझे मारता है। पाशी जी क्या हुआ? पाजी मुझे पाजी कहता है। सॉरी पाशी जी, पाशी जी बकार इधरा। नहीं मैं कहता हूँ इधरा नहीं है। अब तो तेरी शामत तेरे हरामी तेरी ये अब तो मैं तुझे लेके मुझे और धन तुझे होना अबे सारे मर गया। देखी तरह तुझे की छाता लगी लगी तब फिर अपने छोड़ मत तुझे अभी हरा नहीं। अरे मुझे लगे और ऊपर से मुझे अपने छोड़ मत। अरे एक तो नाक तोड़ दी और ऊपर से हमदर्दी दिखाता है। मुझे छोड़ूंगा तो मारोगे। नहीं मारूंगा। छोड़ूंगा तो मारोगे। नहीं मारूंगा। छोड़ मुझे। नहीं मारोगे। नहीं मारूंगा। मारोगे। नहीं मारूंगा। मारोगे। अरे मैं मर रहा हूँ, नहीं मारूंगा। खाओ कसम। तेरी कसम। मेरे नहीं अपने बाप की। तेरे बाप की कसम। मेरे बाप की नहीं अपने बाप की। अरे मेरे बाप की कसम छोड़ मुझे। जा पीछे। मैं जाग रहा हूँ या सपना देख रहा हूँ? बाद में मैं तुझे निपट लूंगा। हाँ जा हाथ मुंह धो ले जा। कोयला वांगना कोयला ब्रश चुपे साले, मैं नौकर हूँ तेरा। जा जा जा। सपने सपने में साले ने अंजल पंजल ढीले कर दिए। क्यों पाजी बिनो तैयार नहीं हुआ? नहीं आज तो उसके रंग ढंग ही बदले हुए हैं बाबूजी। पागलों की तरह हाथ पैर फेंक रहा है और ऊपर से कहता है कि सपने में कर रहा था। ठीक है ठीक है ठीक है। विनोद बेटा, विनोद आया। मामा जी। हाँ तुम आ गए। अरे बेटा वकील के आने का टाइम हो गया है, तू कपड़े तो बदल ले। बस एक मिनट में गया और आया। अरे मगर सुन तो सही बेटा, ये अरब पी ले पहले। यार पीना जरूरी है? अरे बहुत जरूरी है, इसी में तो तेरी सेहत है। पी ले। मगर बेटा ये तूने क्या किया? ये यार बहुत गंदा है मामा जी, रोज तो सीधे तरह से पी लेता है, आज रोज से ज्यादा कड़वा। मैं अभी आया। अच्छा।
हरिओम हरिओम पाशी, जरा गुस्से पर काबू रख बेटा। मैं आओ ओ इतना ठंडा पानी और वो भी नाना इस खुले में। मुन्नी क्या है भैया? गरम पानी। गरम पानी? कब से गरम पानी से नहाने की आदत पड़ गई? दो नहाओ सीधी तरह। तो साबुन वाबुन तो ला। साबुन लो। छामा, जैसे आज पहली बार देख रहे हो, नहाते हो या नहीं? नहाता हूँ। अरे नहाता हूँ। पाजी, पाजी मैं तैयार हूँ। मुझे तूने क्या कहा? पाजी जी, पाजी जी मैं तैयार हूँ। ओके ओके, चलो चलो। लेकिन लेकिन क्या? जरा मेरे जूते के फीते बांधो। तेरे जूते की फीते मैं बांधू? क्या करूँ, कमर बहुत दर्द है, झुक नहीं सकता। तेरी कमर में अभी ठीक कर लेता। पाशी जी हाथ नहीं उठाना, नहीं तो स्टेट नहीं चलूंगा और दस्तखत भी नहीं करूंगा। अगर स्टेट ले चलना फीते बांध दो। बाबू जी ये मजा देखिए, ये मुझे अपने जूते के फीते बांधने के लिए कह रहा है। ओ बेटे, जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। लेकिन बाबू हमें अपना काम निकालना है बेटे, बांध दे। मगर अरे हाँ, सचमुच बेचारे की कमर में दर्द होगा, तेरा भाई है, बांध दे ना। ले जा ये, चल। पाजी पापा, लेकिन ये जूता, ये भी हाँ, तो ऐसे के चलो। इसको क्या हो गया आज का? ये क्या, हाथ मटका दे चल दिए। इसका मतलब साहब के बच्चे है क्या? तेरा बाप उठाएगा? मेरा बाप निकालता है तेरा दांत। क्या कर रहा है तू? हो गया क्या हुआ? दर्द हो रहा है? हाँ दर्द। अबे चल दर्द कर, चल सती कर सकी। मुन्नी गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट। क्या नाश्ता? क्या बनाया आज? बेसनी चिल्ले। वेरी गुड। हाँ ऐसे ही खाओगे? और कैसे? पूजा पाठ सब भूल गए? पूजा? अरे कल की थी ना। कल खाया था ना, जाओ। अच्छा बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम हे भगवान, न जाने वो कितनी बार जपता था, उसने बताया तक नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम बस बस भैया, बहुत हुआ, अब आओ नाश्ता खाओ। वाह बहुत अच्छे चिल्ले बने। मिर्च ज्यादा हो गई है? और ज्यादा होती तो और मजा आता। पहले इतनी मिर्च नहीं खाते थे, अब कितनी मिर्च खाने लगे। लगता है तुम जरूर मेरे भाई नहीं। क्या क्या? और क्या, सवेरे मुझे पार्वती कहकर पुकारा। हाँ। पहले की जगह टूथपेस्ट मांगा। हाँ। गर्म पानी और साबुन की फरमाइश करने लगे। हाँ। अब कहते हो मिर्चें ज्यादा होती तो और मजा आता। हाँ। इस हाहा का क्या मतलब? मतलब वो मालूम नहीं, वो इससे कैसे पिंड छुड़ाता था। पिंड छुड़ाता था? कौन वो? कौन वो? बेटे पीछे बेटे आया बड़ा। माँ बेटे, माँ बेटे, माँ क्या है रे, ऐसे ताज्जुब से क्या देख रहा है? मुझे माँ मिल गई। माँ मिल गई? पहले नहीं थी मैं क्या? बात ये है,
कि ऑपरेशन के बाद तुम्हें नया जीवन मिला है ना, इसलिए मुझे माँ मिल गई। पगला माँ, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगा। अरे तू तो मेरे पास ही रहता है, आज कैसी बातें कर रहा है तू? आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है माँ, उसने मुझे माँ देकर कितना बड़ा उपकार किया। किसने? उसने, वो भगवान ने माँ, भगवान ने। पाशी जी कितने खूबसूरत फूल, एक फूल तोड़ लाइए ना। ओल फूल की जगह शोभा देते हैं, इसीलिए तो कहता हूँ जाकर लेकर आइए। किस पे हुकुम था? सिग्नेचर हस्ताक्षर है। ओके ओके। पाशी जी तुमने खूबसूरत फूल दिया है, मैं सुंदर हस्ताक्षर करूंगा। जय बजरंग बली, लाल लंगोटी वाले तेरे खेल निराले, चाहे हो बजरंग। कुछ नहीं, मैंने तो मनोती मानी थी, जिस दिन मेरे सरकार के साथ आपकी शान से टकराएगी उस दिन मैं हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाऊंगा, बस आज बजरंग बली ने मेरी बिनती सुन ली। काशी जी क्या क्या बेचारा ने? बेचारा नहीं, सब के सब नमक हराम हो गए। हाँ बेशक, जो हमारा नमक खा रहा है वो हमें आके दिखा। सिग्नेचर हस्ताक्षर। कमाल है, कहां ये मुंह नहीं खोलता था और अब इतना बढ़ चढ़ कर बोलने लगा है। यो भैरव, यो बोला कालिया, सब लोग आकर अपनी अपनी मजदूरी के पैसे ले लो। चलो रे, रंगी जी बुला रहे हैं, आओ आओ। ये तेरे 5 रुपए, ये ले दस्तखत कर। ये क्या, 5 रुपए के साथ पे दस्तखत करवा रहे हो? वो तो करना पड़ता है, ये चुपचाप। ये तो जुल्म है। अबे जुल्म के बच्चे, जुल्म लगता है तो कल तक काम पर मत आना। बना बे ते नहीं जी। रूपा रानी तुम? हाँ रंगी राजा मैं। क्यों बे, कब से ये रंग दिखा रहा है इन गरीबों को? रूपा तू कहाँ इस अमीरी गरीबी के झंझट में पड़ रही है, जा जवानी की बाहर दे। रंगी जबान संभाल, नहीं तो रंगी से बदरंगी बना दूंगी, जितना जिसका हक है दे ले चुपचाप। अरे तू तो एकदम अदालत का हुक्म बन गई है, जैसा तेरा राज है। चुप, सबका राज है, मजदूरों का राज है, मजदूर पसीना बहाता है तो मालिक मजदूरी देता है, और तू बीच का खूंटा। आय हाय 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 हाय, तेली का तेल जले और मसालशी का दिल जले, तेन के पूरे पैसे नहीं तो नहीं देंगे तो उखाड़ फेंकेंगे बीच के फूटे को। तुम यूं नहीं मानोगे। अबे जाजा पैसे दे, यहाँ देख लूंगा तुझे रूपा। अबे जाजा चलता बन, चलता बन। सुनो चाचा, जिसका जितना बनता है बांट लो आपस में। हाँ बड़ा आया। क्या शाबाश, क्या बात है, रूप हो तो ऐसा। क्यों मारा मुझे? मैंने नहीं नहीं, इससे मारा इसने। इसने क्यों मारा मुझे? मैंने नहीं नहीं, इसने मारा इसने। अभी देखती हूँ। अरे 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 अरे, की बच्ची भैया घर में हो? राम राम चंद्र भैया। राम राम, 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 राम। और रामू कहो कैसे हो? बस राम जी की कृपा। बैठो बैठो, बैठो। कहो कैसी गुजर रही है? ये बताओ चंदन भैया, जो विनोद बाबू की जागीर में अब तो यूं समझो अंधेरी अंधेर है। जब तक तुम चौधरी थे तब तक तो ठीक था, मगर अब वो क्या चंदन भैया,
देखो तुम यहाँ पे बिल्कुल बेकार हो ना, हमारे साथ चले चलो, चैन से कटे। चैन? चैन तो बड़े जमींदार के साथ चला गया। चंदन भैया, जो होना था सो हो गया, अब उसे भूल जाओ। कैसे भूल जाओ? तुम तो जानते हो कैसे कैसे जुल्म सहे हैं मैंने बड़े जमींदार के मरने के बाद। दो बेटियां, मेरी दो आंखें थी, विनोद बाबू की पापी नजर ने मेरी एक आंख को चलाकर खाक कर दिया। क्या करूं, वे बड़े लोग, मैं गरीब कमजोर, कुछ बिगाड़ नहीं सकता हूं। दूसरी आंख सलामत रहे इसलिए यहां पड़ा हूं। बापू 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 रूपा, अरे तू इतनी बड़ी हो गई, तू क्या छोटी हो जाओ काका। अरे अभी भी वैसी ही नटखट है। अच्छा चंदन भैया, अब मैं चलू। राम 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 काका, राम राम। एक दो तीन चार, चार थाली किसके लिए? मेरे लिए। तुम कौन हो? अपने मुनीम गोपाल से पूछ रहे हो कि तुम कौन हो? ठीक है, और ये दो थालियां बाप बेटे के लिए। ये क्या, दो बिस्किट? मैं क्या बच्चा हूँ, ऐसा नहीं बनाया। बनाया है सरकार, लड्डू हलवा पूरी कचौरी समोसा सब बनाया। तो सब ले आओ। हाँ जाओ जल्दी करो। गौरी नाश्ता लाओ। लड्डू कचौरी, आपका पेट खराब हो जाएगा, आप बस परहेजी कर रहे हैं, ये सब खिलाने के लिए मना किया है मालिक ने। कौन मालिक, किसका मालिक? ऐसे कहा तो सवाल सी दूंगा। एक दो से काम नहीं चलेगा। समझ गया मालिक, समझ गया। चलो देखो। समझ गया मालिक। अबे नजर लगाएगा क्या, उसे कुत्ते की तरह क्या ताक रहा। चले बैठो, के खाने में क्या मजा, बैठ कर खा। हाँ हमारे बराबर बैठो। आपके बराबर देखेंगे तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो कौन? मालिक। फिर कभी किसी को मालिक कहा तो तेरी चुटी काट दूंगा। बैठो। मैम और लाओ। मालिक अब थोड़ा सा बाप बेटे के लिए बचा है। नॉनसेंस, जिसको भी देना हो हमारे खाने के बाद जो बचे वो दो। समझे? समझ गया। आइए आइए पधारिए, तशरीफ रखिए। हाँ लिए लीजिए लीजिए। ना चलो। अरे गोपाल तेरी इतनी मजाक, उठ उठ उठ। नाश्ता कर रहा है मेरे कहने से बैठा। मालिक और नौकर की इतनी बराबरी, पर भी क्या है पाजी जी, मालिक के सर के सिंगे होती हैं। भौंकना नहीं, भौंकना नहीं। देखो देखो भौंकने वाला कुत्ता कैसे चुपचाप बैठ कर नाश्ता कर रहा है। हद हो गई, कुत्ते को खाना किसने दिया? मैंने। खाने दो ना, कुत्ता बड़ा वफादार होता है। मेरा नाता लाओ। सॉरी पाजी, मैंने सब खा लिया। क्या? तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा, सिर्फ ये खाओ। दोने जितने चाहो। कुत्तों की बिस्किट, ये कुत्तों की बिस्किट मैं खाऊं और कुत्ता हलवा और कचौरी खाए। पाशी इन्हें कुत्तों के बिस्किट ना कहो, ये वफादारी के बिस्किट हैं। ये खाकर तुम भी वफादार हो जाओगे। क्या मुझे कुत्ता कहता है? तेरी इतनी हिम्मत, तेरी इतनी हिम्मत है तो मालिक होकर मुझ में कितनी हिम्मत होनी चाहिए। मालिक कौन? मालिक मालिक मैं हूँ, सिर्फ इस सारे स्टेट का ही मालिक नहीं, तेरा मालिक भी मैं हूँ। मेरा हुक्म चलेगा, समझे? क्या कहा? हाथ नहीं उठाना, नहीं तो जैसे को तैसा। कपाल कपाल दास, मुफ्त का माल है, खाओ और सो जाओ। जी 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 सरकार, हिसाब लिख रहा था। नेम में? जी नहीं, रजिस्टर में। झूठ बोलते हो? जी नहीं, जबकि लग गई थी। ठीक है, तुम्हारे पास कितने रुपए? मेरे पास? मैं और आपको पैसे दूं? मेरे पास तो 75 नए पैसे। तुम्हारी जेब में नहीं,
मैं पूछ रहा हूँ तिजोरी में कितने रुपए? तिजोरी में इतने थे, उतने हैं, उतने। हाँ, तुम्हें नहीं मालूम? तो चाबी इधर लाओ, मैं तिजोरी खोल के खुद ही देखूंगा। मारे गए, इधर कुआं, उधर खाई, बड़ी मुसीबत आई। जो खास है वो पास नहीं। कौन खास है, कौन पास है? मैं पूछ रहा हूँ तिजोरी में कितने रुपए? पता 9,75,000। चाबी इधर ला। चाबी मेरे पास नहीं है। अरे चाबी देता है, करो छुट्टी। छुट्टी तो रविवार की बात होती है, मालिक को मालूम पड़ गया। कौन है तेरा मालिक? मालिक मालिक तो आप है मालिक। हिसाब किताब ठीक रखना वरना छुट्टी हो जाएगी। छुट्टी 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 छुट्टी। बेईमानी में भी धोखा, ईमानदारी में भी धोखा। किसका हाथ पकड़ू, किसका हाथ छोड़ू? हे भगवान, कुछ समझ नहीं आता। बाबा जी। अरे आओ आओ बेटा, तुम्हारे ही तो इंतजार था। वकील साहब, यही है मेरा भांजा विनोद कुमार। आपसे मिलकर बड़े खुशी हुई। मुझे भी, हालांकि मामा हूँ लेकिन माँ बाप की कमी कभी नहीं महसूस होने दी। अपने बेटे पाशी से ज्यादा ख्याल रखता हूँ इसका। हाँ बहुत ख्याल रखते हैं। मामा जी तो प्यार और परोपकार के छिपे हुए अवतार हैं। हरि ओम हरि ओम। अरे बेटा, परोपकार तो परायों पे किया जाता है, अपनों की तो रक्षा की जाती है। अरे हाँ बेटा, आप हैं करोड़पति भीमसेन जी। वो तो देखने से ही लग रहा है। पाजी, पाशी, शायद सेठ जी हमारी स्टेट देखने आए। शौक से दिखा दो बेटे। वो कहाँ चले? इस कागज पर दस्तखत करते जाओ। किस कागज पर, किस लिए? बेटे वो अपनी जागीर का पूर्वी हिस्सा है ना, वो सेठ जी के हाथ बेच रहे हैं। वो जमीन तो एकदम बंजर है, किसी को धोखे में नहीं रखना चाहिए। सेठ भीमसेन जी, आपको मालूम होना चाहिए कि उस जमीन पे चाय की पत्ती की बात तो दूर, कांटे भी नहीं उगते। कोई बात नहीं। क्या कहा, कांटे भी नहीं उगते? अरे मुझसे तो कहा गया वो जमीन सोना उगलती है। सोना उगलने वाली जमीन कौन बेवकूफ बेचेगा? मामा जी, हमें जमीन बेचने की क्या जरूरत पड़ी है? अरे बेटा, 2,00,000 रुपया तो हमें इनकम टैक्स भरना है। भर देंगे। इतना रुपया कहाँ से आएगा? रुपया तिजोरी में है मामा जी। तिजोरी में सर 20,000 रुपए है। तुम्हें गिनना नहीं आता पाशी, स्कूल में भर्ती हो जाओ। गोपाल जी इधर आइए। आया सरकार। गोपाल जी, तिजोरी में कितना रुपया? हाँ हाँ, तिजोरी में कितना रुपया जवाब दीजिए। तिजोरी में कितना रुपया? 9,75,000 रुपए। मामा जी माफ करना, हम एक इंच भी जमीन नहीं बेचेंगे। सेठ भीमसेन जी आप जा सकते हैं। विनोद। हरिओम। श्यामलाल जी, बंजर जमीन बेच के हमें बेवकूफ बनाना चाहते थे। चलिए वकील साहब चलिए। देखा बाबूजी कितनी फजीहत की है विनोद ने, आज तुम्हें उसकी खाल उदेरूंगा। हरिओम हरिओम।